हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयल किचन रेसिपी। आज हम बनाएंगे करेले का जूस। पर उससे पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल गोयल किचन रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। करेले का जूस बनाने के लिए हमने एक करेला लिया हुआ है और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें कटे हुए करेले के टुकड़े को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसमें आधा कप पानी डाला हुआ है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसके लिए हम लेंगे एक बॉल और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी। अब इसमें डालेंगे जो मैंने पल्प बनाकर तैयार किया था और स्पैचुला की हेल्प से हम इसे छान लेंगे ताकि हमारा जो रस है वो नीचे आ जाए और ऊपर जो छिलके हुए पिसे हुए वो अलग हो जाए। इसी तरह हम इसे छान लेंगे। ये करेले का जूस डायबिटीज वाले लोगों के लिए रामबाण इलाज है, बहुत ही फ़ायदा करता है। पर ये गर्म होता है, गर्मियों के मौसम में इसे आधे कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और नुकसान भी कर सकता है। देखिए, हमने इसे छान लिया है और इससे मैंने एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए, ये आधा गिलास ही है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और इसे पीने में खट्टा फ्लेवर आता है तो ये अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे हम नमक। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो वो नमक अवॉइड कर दे। देखिए, हमारा करेले का जूस बनकर तैयार हो गया है, सर्व करने के लिए तैयार है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।